check the mic and make sure it sound right, boys. आप सुन रहे हैं My Topic Let's Pray with the boy on that topic. Hi guys, this is Pulkit. Welcome to my show, जिसका नाम है My Topic Let's Pray. तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो शायद मेरे लिए क्या दुनिया में जितने भी डिसेबल्ड हैं उन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. वो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, वो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम अमूमन, मेरे जैसे मैं हूँ या मेरे जैसे और भी लोग हैं, डिसेबल वर्ड बहुत बड़ा वर्ड है और इसके पता है मायने बहुत ही ज़्यादा है. डिसेबल सिर्फ एक वर्ड नहीं है, इस लाइक वास्ट, बहुत बड़ा है. यहाँ पे तरह तरह के लोग, तरह तरह के लोग अपनी बीमारियों से ग्रसित होते हैं. यहाँ पे विजुअल इम्पेयर्ड भी आते हैं, यहाँ पे इवन यू नो जिनको हेयरिंग से प्रॉब्लम वो भी आते हैं, और जिनको यू नो मेंटल इशू है वो भी आते हैं ना. तो तरह तरह के लोग इस कैटेगरी में आते हैं, डिसेबल कैटेगरी. तो मैं बात करने वाला हूँ बेसिकली पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे. क्या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अकॉर्डिंग टू यू नो व्हीलचेयर, जो यहाँ पे व्हीलचेयर वाले हैं, चाहे वो यू नो विजुअल इम्पेयर्ड हैं, चाहे वो कितने भी तरह की डिसेबिलिटीज फेस कर रहे हैं, क्या उनके लिए यू नो एक्सेसिबल हैं? अगर मैं अपनी अकॉर्डिंग टू मी व्हाट आई बिलीव, अगर आप मुझसे पूछे तो एक्सेसिबल नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है. बिकॉज मैं ज़्यादा ट्रैवल नहीं करता, मैं दिल्ली में रहता हूँ, बट मैं सिर्फ उतने तक ही कह सकता हूँ जितना तक मुझे लगता है. मैं बस इतना ही आई थिंक बता सकता हूँ कि अगर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अगर दिल्ली में एक्सेसिबल है वो सिर्फ मेट्रो है. एंड यस, मेट्रो इज़ वेरी एक्सेसिबल बिकॉज अगर किसी भी मेट्रो स्टेशन पे जाएंगे तो ईजिली आपको वहाँ पे लिफ्ट ले जाएगी, ईजिली आप यू नो जा सकते हैं, मेट्रो बोर्ड कर सकते हैं. अगर मैं बात करूँ यहाँ पे यू नो दिल्ली में बसेस की, ऑटोज की या कैब्स की, वो एक्सेसिबल नहीं है. अब आप मेरे से कहोगे कि यार मैं तो हर चीज़ में नेगेटिव हूँ, मैं पॉजिटिव भी तो मैंने बताया ना आपको, मैंने आपको पॉजिटिव चीज़ ही बता रहा हूँ. मैंने पॉजिटिव चीज़ आपको बताई है मेट्रो, तो मैं नेगेटिव चीज़ इतनी सारी चीज़ें क्यों इकट्ठी करी, क्योंकि मुझे इसमें नहीं दिखा. अगर आप नॉर्मल ओला ऊबर जैसी चीज़ें भी बताते हैं, आपको उसमें कोई फैसिलिटी नहीं मिलती. मैं अपनी व्हीलचेयर नहीं रख सकता, मैं अपनी बात बता सकता हूँ. ऐसे कई विजुअल इम्पेयर्ड लोग हैं जिनको यू नो ओला ऊबर करने में दिक्कत आती है बिकॉज वहाँ पर कोई असिस्टेंट नहीं है. अगर मैं ओला ऊबर की बात कर ली है ना, अगर मैं बात करूँ अब बसेस के बारे में, यार बसेस के बारे में मैं अभी इतना कहना चाहूँगा, मैंने अभी एक वीडियो देखी थी अपनी यू नो प्रोफाइल में, मेरे एक फ्रेंड हैं, वो जा रही थी बस से, उन्होंने यू नो सोचा कि चलो बस से जाए थे. डीटीसी बस थी आई गेस. बस यू नो आगे ना एक प्लेटफॉर्म सा बना होता है, उसको ना बस उठाना होता है और वो रैंप बन जाती है. वाओ, नाइस, वेरी गुड थिंग. जो मेरी फ्रेंड है जिन्होंने फेसबुक वीडियो शेयर करी, यू नो पावर व्हीलचेयर, राम से पावर व्हीलचेयर चढ़ जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती. बट लेट मी टेल यू वन थिंग, जब वो पावर व्हीलचेयर दे के चढ़ा रही थी ना, उनसे वो बसेस, उनने बस के अंदर उनसे जाया नहीं किया इजीली, पीछे से दो बंदों ने धक्का मारा तब जाके वो बस के अंदर गई. तो हम कहते तो हैं एक्सेसिबल है, बट नहीं, एक्सेसिबिलिटी का मतलब ये नहीं होता. एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है कि बिना किसी के हेल्प के हम खुद यू नो अंदर चले जाएं, किसी भी प्रेमिसेस के अंदर या किसी भी यू नो कार के अंदर या किसी बस के अंदर बिना किसी हेल्प के, दैट इज कॉल्ड एक्सेसिबल. कि अगर दुनिया जा सकती है तो हम भी जा सकते. तो ये दिल्ली की बात थी एंड यू नो उनको दो लोगों ने पीछे धक्का मारा, ये पुल्ड है, तब जाके उनकी वो जो चेयर है वो अंदर जा पाई. अब आप मुझसे कहोगे कि यार ऐसे तो हर कोई जा ही सकता है, दे तो रखी है उन्होंने फैसिलिटी, दे रखी है, बट प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो बसेस हैं वो हाइड्रोलिक बसेस नहीं है. हाइड्रोलिक मीन्स
जैसे फॉरेन कंट्रीज में आप देखा होगा, आपने यहाँ पे भी देखा होगा, स्पेशली ऑन एयरपोर्ट, जो बसेस जो होती हैं वो आराम से, जो हाइड्रोलिक बसेस होती है, आराम से वो थोड़ा सा नीचे हो जाती है। आपने नोटिस किया होगा कि किसी जैसे स्पेशली ऑन व्हील चेयर पे हैं, उनको बसेस में जब चढ़ाना होता है तब अपने आप ही, यू नो, बस अपने आप ही इसको एडजस्टेबल पोजिशन पर लाती है, नीचे लाती है और रैंप बाहर निकालते हैं और इजी पीछे से बंदा पुश करता है या कोई पार पीछे लेके जाता है, आराम से वो अंदर घुस जाता है। तो दिक्कत यहाँ पे ये है कि यार बसेस एक्सेसिबल लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे मैं सोच रहा हूँ। बसेस हो गया आपका, ओला उबर हो गया, ओला उबर अगेन, मेरे जैसा बंदा तो ओला उबर में जा ही नहीं सकता, या मैं कैसे जाऊँगा? पीछे तो आपने इतना बड़ा सा, यू नो, सीएनजी किट से फिक्स कर रखा है, मैं अपनी चेयर का रखूंगा। डू यू वांट मी टू पुट माय चेयर विद, यू नो, लाइक विद ऑन द पैसेंजर सीट? जो मेरे साथ एक और बंदा जा रहा होगा वो कहाँ बैठेगा? तो ओला उबर जैसी अगर फैसिलिटीज में आप कहोगे बड़ी कर ले, यार बड़ी तो देखो जितना गुड़ पाओ उतना मीठा है ना, जिसके पास ज़्यादा पैसे नहीं, जितने इकॉनमी में ही जाना है यार, वो कितना खर्चेगा? जितने थोड़ी पास में जाना है, क्या वो 500-600 रुपये खर्चता हुआ सही लगेगा? वर्थ तो नहीं है ना। तो दैट द थिंग, क्या होता है मेरे से तो चढ़ भी ना पाए ऐसी, यू नो, तरह तरह की जो कार्स आती हैं, दे नॉट एक्सेसिबल, मैं नहीं चढ़ पाऊँगी, मुझे कोई बंदा चाहिए चलाने के लिए। अगर मैं अकेला किसी ओला उबर जैसी टैक्सी में ट्रैवल कर रहा हूँ तो मुझे एक बंदा चाहिए अपने साथ ताकि मुझे उठाए बिठाए, मेरी चेयर रखे और निकाले। ओला उबर वाले जो ड्राइवर्स होते हैं दे नॉट गोइंग टू डू, कुछ अच्छे होते हैं हेल्प कर देते हैं बट हर कोई नहीं करेगा। अगेन एक्सेसिबिलिटी यहाँ पर भी जरूरत है। अब मैंने बात कर ली बसेस की, ओला उबर्स की, है ना। अब मैं बात करता हूँ नॉर्मल चलने वाले इंसानों के लिए फुटपाथ की। भाई साहब बहुत ही बुरी हालतें हैं फुटपाथ की, या तो दिल्ली में तो फुटपाथ के ऊपर साइकिलें चल रही हैं या फिर स्कूटर चल रहे हैं, यू नो, टू व्हीलर चल रहे हैं, नॉर्मल हमारे जैसे लोगों के लिए वहाँ पे चलने के लिए है नहीं। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट रोड यार, ट्रैफिक का आपको पता है दिल्ली में कितना होता है। अगर मुझे नॉर्मल जैसे बंदे को व्हील चेयर पे रोड क्रॉस करना है तो मुझे 5 से 10 बार सोचना पड़ेगा कि मैं कैसे क्रॉस करूँ, क्योंकि क्या होता है ट्रैफिक इतना तेज आ रहा होता है, आप अकेले होते हैं, आपको जज करना मुश्किल हो जाता है कि यार ट्रैफिक अब रुकेगा रुकेगा। पर कुछ ऐसे, यू नो, बुद्धिजीवी लोग भी होते हैं जो रेड लाइट क्रॉस कर जाते हैं। बहुत ही बुरा हाल है बाहर, ऐसे लोग करते हैं एंड, यू नो, एक्सीडेंट होंगे, खतरे रहते हैं। एंड पिछले पेड़ लोगों के लिए मैंने, यू नो, मैं कहीं पढ़ भी रहा था और मेरी कलीग हैं उन्होंने मुझे बताया था कि पिछले पेड़ लोगों के लिए क्या होता है फॉरेन कंट्रीज में स्पेशली, यू नो, साइरन बजाए जाते हैं रोड क्रॉस करने के लिए कि, यू नो, अब ये रेड लाइट हो गई है, अभी ग्रीन हो गया है, अनाउंसमेंट होती है। अब यार हमारे जैसे देश में जहाँ में नॉइज़ पोल्यूशन इतना है, क्या आपको लगता है कि साइरन काम करेगा? इतने हॉर्न बजते हैं, इतना शोर होता है, आई डोंट थिंक सो वो चीज़ काम करेगी। तो यार बहुत चीज़ों पे काम करना है, बहुत 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 चीज़ों पे काम करना है अभी, आई डोंट थिंक सो ये इनफ है। बट हाँ, आई एम जस्ट होपिंग कि डे बाई डे ये चीज़ ठीक हो जाए, डे बाई डे और ज़्यादा, यू नो, लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करें, एक्सेसिबल बने। बट अभी फॉर, यू नो, फॉर डिसेबल्ड वेरी डिफिकल्ट, मेरे जैसे बंदे के लिए बहुत डिफिकल्ट है, बाकी वाले मैं कह नहीं सकता, बाकियों के लिए भी हैं। मैं अपने बिहाफ पे तो बात कर सकता हूँ कि मैं नहीं ट्रैवल कर सकता भाई, यू नो, ऑन रोड ऑल्सो ऑन एज वेल एज ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। बट येस, अगर मैं सजेस्ट करता हूँ किसी को पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे जाने के लिए, तो आई ओनली सजेस्ट, बार बार ये बोलूँगा, यू कैन ट्राई मेट्रो, बहुत ईजी है जाना, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत हेल्पफुल स्टाफ होता है। तो गाइस, ये था मेरा ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की क्यों हमें, क्या, यू नो,
क्या जरूरत है। एंड होपफुली नेक्स्ट एपिसोड में मैं कुछ और इस विषय पे और बात करूँ या मैं इस चीज पे लाता रहूँगा। एंड विल डेफिनेटली टॉक अबाउट दिस टॉपिक। तो चलिए हम चलते हैं, फिर नेक्स्ट वीक हम बात करेंगे कुछ और टॉपिक पे, शायद किसी पर्सनैलिटी पे। तो गाइस ये था मेरा आज का एपिसोड, आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए ध्यान रखना, दुआ में रखना। बाय बाय एंड टेक केयर।